हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं कल कैसे अपने को ट्रेड करना है। तो कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं आपको लेबल्स के लिए आपको आइडिया बताता हूँ कि कैसे अपने को कब यहाँ पर प्लान करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर रेड वाली है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेवल है, एंड ब्लू वाला जो है वो आपका बायर्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो प्लान क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बायर सेंटर है एंड अगेन यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है और अगेन यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट को क्या होना चाहिए, पहले मार्केट अप साइड जाएगा यानी 19,000 आपका 770 तक मार्केट अगर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 19,770, तो यहाँ से अगर प्राइस कोई रेंज होता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी इस मार्केट जब भी बायर्स लेवल पे आएगा जैसे 19,730 पे आए, तो एक पुल बैक पे आप यहाँ पर आए कि आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो, अच्छा खासा अपने को रिटर्न मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि जब सेलर्स एरिया से मार्केट आएगा तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। यानी हमने ये कहा कि आपको एक पॉइंट ध्यान रखना कि मार्केट अगर इस लेवल से आता है आपका 1770 से, उसके बाद मार्केट अगर डाउन आता है तो ये आपका 19,000 जो आपका 19,730 लेवल है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपने को इस छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा और उसके बाद अपने को अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट ट्रेंड मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली आज भी मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, तो एक अच्छा खासा अपने को ब्रेकआउट ट्रेंड मिलेगा। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो ब्रेकआउट के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया ही नहीं, यानी सेलर्स एरिया में मार्केट आया ही नहीं 19,770 में और मार्केट डाउन ही रहा, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, फिर रिवर्सल पर ट्रेड करना है कि मार्केट अगर इसके बीच में अगर रेंज हो रहा है, यानी आपका 700 एंड 730 के बीच में अगर मार्केट रेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायस क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा बायस एरिया है। ठीक है, मैं अभी आपको डेटा वाइज वेरीफाई करता हूँ। आप देखो यहाँ पर प्राइस रिट्रेसमेंट लिया ना, अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग हुआ एंड अगेन प्राइस आप देखो रिट्रेसमेंट लिया ना, अगेन अच्छा खासा यहाँ पर तीन कैंडल बैक टू बैक यहाँ पर अप ट्रेंड गया एंड अगेन मार्केट आप देखोगे यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया उसके बाद दो कैंडल, तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली क्या ही इस ये आपका क्या है आपका बायर्स एरिया। तो यानी मार्केट जब भी इस एरिया में आएगा 19,700 इसमें अपने को अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। लेकिन मार्केट में आपको फिर से रिपीट है, मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है यानी यहाँ कहीं से 19,780 या 770 से आ रहा है, फिर अपने को यहाँ पर बाई नहीं करना, फिर अपने को यहाँ पर इसी एरिया से अपने को सेल करना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी सेलर इंक्रीज करेगा प्लस वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो कोई भी लेबर्स होगा बायर्स एरिया वो ब्रेक हो जाएगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। मैं आपको थोड़ा सा डेटा वाइज भी आपको समझाता हूँ, यहाँ पर 19,700 की मैं बात कर रहा हूँ एंड 19,730 की बात कर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट है एंड प्लस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, वही अगर 700 एंड 730 के बीच में मार्केट अगर रेंज होता है तो इसका मतलब बायस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन फिर क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि चेंज ऑपरेटर्स भी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्ड है। ठीक है, तो जब भी प्राइस रेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपसाइड के लिए, मतलब क्या है कि मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम करेगा जब भी ब्रेकआउट होगा अपसाइड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर अपने को क्या होगा, फिर रिवर्सल ट्रेंड मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फिर क्रिएट किया प्लस आपका इंट्राडे में भी अच्छा खासा पोजीशन ऐड किया, वॉल्यूम इंक्रीज है, तो ये अपने को अच्छा खासा एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है जब भी आपका 19,770 के पास आता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का आपका 19,800, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज होगा लेकिन रिवर्स मार्केट यहाँ से हो सकता है। ठीक, ये भी पॉइंट आपके लिए मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल की जैसे फॉर एग्जांपल कि मार्केट क्या 19,750 पे क्या हुआ कि बायर्स ने, क्योंकि ये बायर्स एरिया भी 19,000 आप देखो 19,760 जो है ये बायर्स हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो मार्केट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बायर्स पोजीशन ऐड कर रहा है तो मार्केट क्या होगा, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होता है, तो अगर 19,800 पे सेलर्स है तो ये तब यहाँ से क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो ऊपर आके ही फिर रिवर्स होगा। यानी कहने का मतलब है कि वो 800 को सबसे पहले ब्रेक करेगा, तो ये जो आपका लेवल दिखाई दे रहा है 19,820 यानी 5-10 पॉइंट आसपास हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं 4.5 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट के आसपास, जैसे 19,820 हो गया तो 19,830 हो सकता है या 19,810 हो सकता है। ठीक है, तो 10.5 पॉइंट का आप डिफरेंस थोड़ा सा आप रख सकते हो, है ना। तो मार्केट क्या होगा, जब भी यहाँ पर सेलर्स ऐड करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली मार्केट क्या होगा, यहीं से कहीं से आपका रिवर्स होने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट आपका 19,760 ही होगा जब भी मार्केट डाउन आएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है निफ्टी में स्पेशली। ठीक, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी कि आपका जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो चाहे वो 19,800 हो, अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लस आपका हैवी वॉल्यूम के साथ इंट्राडे में ट्रेड किया गया है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा कल के लिए हमारे लिए होगा। मैं थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी का आइडिया दिखाता हूँ।
अब देखो बैंक निफ्टी में सेम ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जो एरिया है ये आपका बायस एरिया, जितनी भी ग्रीन पट्टी है ये क्या बायस एरिया है, ठीक है। तो बायस एरिया ब्रेक करने के लिए सबसे पहले मार्केट को सेलर्स एरिया में जाना चाहिए, ठीक। जब भी आप ये समझो कि बायस एरिया को ब्रेक करना मार्केट को और ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, यानी फॉर एग्जांपल कि मार्केट क्या हुआ, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट आपको बताता हूँ, मार्केट क्या है कि डाउन आ रहा है। तो जब भी ये बायस एरिया ब्रेक हो रहा है ना, तो आपका क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि सेलर्स एरिया से मार्केट आना चाहिए, है ना। आप देखो पहले मार्केट क्या हुआ, सेलर्स एरिया में गया, देन उसके बाद बायस एरिया को ब्रेक कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगा इसका मतलब एग्जिट पोजीशन का होगा, वो क्लोज पोजीशन का, ना कि वो एड पोजीशन का होता है, है ना। तो अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल अगर सेलर्स एरिया में नहीं जाता, जैसे वो 45,840 या 45,800 के पास प्राइस नहीं जाता है, और उसके बाद मार्केट क्या फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन आता है 45,440 के आसपास जाता है, और क्योंकि 45,400 क्या है कि स्ट्राइक प्राइस है, तो आपका बायस पोजीशन ऐड करेगा 45,400 पे, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो आपका 45,440, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 40 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मार्केट क्या होगा हमेशा बायस एरिया से ही रिवर्स होगा, ना कि स्ट्राइक प्राइस पे, ओके। तो मार्केट अगर आता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज होता है, तो इसका मतलब आपको सिग्नल मिल जाएगा एक अच्छा खासा कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा एक मोमेंटम मिलेगा। तो पहला टारगेट अपना मिल जाएगा 45,640 का, एंड अगर 640 अगर ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट अगर रेंज हो रहा है और अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हो रहा है, तो अपना टारगेट जो मिल जाएगा 45,840 का। अभी मैं आपको डेटा वाइज भी इसको समझाता हूँ कि कैसे अपने को प्लान करना है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि डेटा वाइज अगर हम देखें इसी चीज़ को, आपका मैं बात कर रहा था 45,400 की, जो कि मैं बायस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो 45,400 की दोस्तों अगर आप देखोगे 45,400, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम भीड़, देखो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है वॉल्यूम इंक्रीज है, प्लस पोजीशन भी होल्ड है, बट इंट्राडे में क्या कि पोजीशन क्लोज हुआ है, ठीक है। तो जब पोजीशन क्लोज हुआ तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये एग्जिट पोजीशन का एक इंक्रीज हुआ, ना कि ये बायर्स ने होल्ड की। तो इस लॉजिक को आप समझो, जब बायर्स पोजीशन को होल्ड करता है तो उस केस में पोजीशन क्या होता है कि यहाँ पर प्लस में होता है, ना कि माइनस में होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंट्राडे में एग्जिट पोजीशन का सबसे ज्यादा यहाँ पर ये वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ही क्लोज हुआ है ना, इसी वजह से वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप ये मत समझना कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है आपका 45,500, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 45,400 हो सकता है, आपका 45,300 हो सकता है, क्योंकि इन लेवलों पर क्या कि स्ट्रॉन्ग अपना आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव है, प्लस आपका वॉल्यूम भी एक्टिव है, एंड प्लस हमारा क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो कि स्ट्राइक प्राइस है अपना 45,600 होती है अपना, एंड प्लस आप दोनों साइड आप देखोगे तो इससे पहले कि रेजिस्टेंस लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्या है कि आपका 45,600 है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो सपोर्ट है जो वर्क करेगा वो आपका 45,300 एंड 45,400 हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट एरिया हमको माना जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट आपका इस लेवल पर आएगा बायर्स एरिया में और रेंज होता है तो आपको हिंट मिल जाए कि मार्केट रिवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन ब्रेक किया तो 45,300 क्या है कि बायर्स एरिया, तो एग्जाम फिर से मार्केट रेंज हुआ था अपसाइड के लिए। जब भी आपको यहाँ पर डाउनसाइड के आने के बाद रेंज हो रहा था, ये अपसाइड के लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा, जब तक अगर सेलर्स एरिया से मार्केट अगर नहीं आता है बायर्स एरिया में। सेलर्स एरिया से मार्केट अगर बायर्स एरिया में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज होगा फिर वो डाउनसाइड के लिए ब्रेकआउट होगा, वो कन्फर्म होगी प्राइस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट क्या हुआ बैक टू गैप ओपन हो जाता है, फिर आपको क्या करना, अब ये देखो 45,800 बायर्स एंड सेलर्स दोनों एरिया है, ठीक है। तो मार्केट में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है, ठीक है। बस सिंपल आपको देख रहा है जिस यहाँ पर, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स दोनों है तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ वॉल्यूम का आपको देखना है, जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी डायरेक्शन मार्केट क्या होगा ब्रेक होगा, ठीक है। जब भी बायर्स एंड सेलर्स है तो उसी डायरेक्शन मार्केट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा 46,000 होगा एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 100, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि लो वॉल्यूम अगर होगा तो रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड और अपने को पुल बैक पे ट्रेंड मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर देखो ये, क्योंकि ये बायर्स एंड सेलर दोनों एरिया है, लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि मार्केट बायर्स एंड सेलर्स एरिया से मार्केट डाउन आया 45,700 से होके फिर से रिवर्स हो रहा है तो अपने को मिलेगा पुल बैक ट्रेल, क्योंकि जब 46,000 ब्रेकआउट होगा एंड मार्केट डाउन आएगा तो इसका मतलब अगर डाउन आ रहा है और वापस अगर ब्रेकआउट होगा अपसाइड के लिए तो इसका मतलब क्या है कि पुल बैक ट्रेल, यानी क्या है कि आपका बायर्स क्या है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एंट्री लेगा फिर, क्योंकि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज होगा, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, प्लस वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होगा कि अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा अपसाइड के लिए, ओके। तो ये पॉइंट आप सारी चीज़ें आप ध्यान रखना दोस्तों। बाकी लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को जो ज्वाइन किया, हमने एक ट्रेड अपडेट किया था, हालांकि हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट के हमने दो ट्रेड निकाले हैं,
एंड आप देखोगे यहाँ पर 27, क्योंकि हमारा देखो जो हमारा टारगेट होता है ना, हम डिसाइड कर लेते 7 रुपए से 23 रुपए, यानी 7 रुपए हमारा मिनिमम टारगेट होगा, और उसके ऊपर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल या होल्ड करके ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर अपने को होल्ड ट्रेड नहीं करना है, बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाना है, तो 7 रुपए 8 रुपए लेके आप निकल जाएंगे मार्केट से, है ना। दैट्स इट, बस इतना ही, क्योंकि मार्केट के आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल था फिर निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी था तो बहुत ज़्यादा रेंज हो रहा था ना। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान देखिए तब जाके ट्रेड किया करो। हमने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद ट्रेड के लिए प्लान किया था। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।